कैश कमेटी, कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। इस कमेटी को विशाखा कमेटी भी कहा जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा मुकदमे का फैसला देते हुए यह दिशा निर्देश दिए कि महिलाओं के साथ कार्यस्थलों पर होने वाले यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए सभी कार्यालयों तथा संस्थाओं जैसे स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालयों, निजी संस्थाओं एवं कंपनियों के कार्यालयों आदि में महिलाओं के साथ होने वाली यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की घटनाओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए यौन उत्पीड़न शिकायत निवारण कमेटियां अर्थात कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट का गठन किया जाए। इस कमेटी में संबंधित संस्था या कार्यालय की 3 वरिष्ठ महिला सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए। कमेटी के सदस्यों के नामों की जानकारी संस्था के सूचना पट पर स्थायी रूप से लिखी जानी चाहिए ताकि कार्यालय की सभी महिला कर्मचारियों को इसके विषय में पता लग सके। कैश कमेटी की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी संस्था में किसी भी महिला द्वारा यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की शिकायत की स्वतंत्र निष्पक्ष जांच करे। यदि उक्त शिकायत सही पाई जाए तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कमेटी कानून और विभागीय कार्यवाही की सिफारिश कर सकती है। कैश कमेटी का गठन करना सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य है। इनका गठन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की होती है। महिला आयोग, वुमेन्स कमीशन। विगत दिनों काम की तलाश में एक महिला आई। वह लोगों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती थी। उसका पति शराब का बुरी तरह से आदी था। वह मारपीट कर उससे पैसे छीन लेता था, रात में शराब पीकर आता था और अक्सर अकारण उसकी बेरहमी से पिटाई भी करता था। एक दिन उसके मार खाए चेहरे को देखकर मैंने पूछा, तुम इस मारपीट का विरोध क्यों नहीं करती? तब उसने एक बेजान सी दलील दी, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो केवल एक महिला हूँ, मेरी कौन सुनेगा। इस तरह की बहुत सी महिलाएं हैं जो विभिन्न कष्टों को झेल रही हैं और उन्हें न्याय के लिए महिला पुलिस थानों, न्यायालय या मानवाधिकार आयोग जाने में झिझक होती है। इसलिए विशेष तौर पर महिलाओं की समस्या को निपटाने के लिए महिला आयोग का गठन राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर किया गया है। महिला आयोग सभी महिलाओं को जागरूक करने के लिए तथा महिलाओं से संबंधित कानूनों की जानकारी देने के लिए जगह जगह विविध कार्यक्रम आयोजित करता है। एक बार एक शिक्षिका महिला आयोग द्वारा शाला में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। उनके द्वारा दी गई प्रमुख जानकारियाँ आप सभी को भी दी जा रही है। महिला आयोग का गठन महिलाओं की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार करने तथा सरकार को सलाह देने के लिए किया जाता है। महिला आयोग महिलाओं को संवैधानिक तथा कानूनी संरक्षण दिलाने, बंदी महिलाओं की स्थिति की जांच करने, महिलाओं में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए कार्य करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग बाल विवाह रोकने, अनाथ महिलाओं, विधवाओं व तलाकशुदा महिलाओं के निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता दिलाने, कन्या भ्रूण हत्या रोकने, अल्पसंख्यक तथा पिछड़ी जाति की महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास करता है। साथ ही यह महिलाओं को शोषण और अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए जागरूक करता है। पता, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, गायत्री भवन 13, जल विहार कॉलोनी, रायपुर। फ़ोन नंबर 07714241400।